वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एकेडमी सिमरनजोत सिंह। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, दैट वाज फॉर चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th, एंड वी हैव डन इट अप टू एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 तक हमने सिर्फ क्या किया था कि कोई भी दो इक्वेशंस हमें बनानी होती हैं और उनको ग्राफिकली सॉल्व करना था, उनके पॉइंट्स निकाल के ग्राफिकली उनको जस्ट सॉल्व करना है, दिखाना है ग्राफ पे वो कैसे बन रही हैं। ओके, तो इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आता है कि हम ग्राफिकली जो इक्वेशंस आई हैं उनका क्या बता सकते हैं कि उनका किस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है, ग्राफिकली भी होता है और एल्जेब्रिकली भी होता है। सो उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व किए बिना भी चेक करना हो तो एल्जेब्रिकली हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हमने ग्राफिकली सॉल्व करके देखना हो तो कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने सॉल्व नहीं भी करना, डायरेक्टली जस्ट चेक करना है कि मतलब सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि वो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, वो कैसे कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने इक्वेशंस को पहले समझना कैसे, इक्वेशंस का पता कैसे लगाना है, भी उसका कैसा सॉल्यूशन आएगा। सो कोई भी इक्वेशंस दो होती हैं, वो टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होती है। एक का हम ले लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0। सो एक ये हमने एक जनरल फॉर्म लिया पहली इक्वेशन की, इसलिए इनके कॉन्स्टेंट a1 b1 एंड c1 लिए हैं, x एंड y वेरिएबल्स वो तो एक ही होते हैं दोनों इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। सो ये दोनों इक्वेशंस हैं, हमने चेक करके बताना है इनके पहले तो चेक कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि ये किस टाइप की इक्वेशंस हैं, सॉल्व हो सकती हैं कि नहीं, अलग अलग तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो पहले चेक करने का तरीका क्या है, अगर तो हमारे पास क्या सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो हमने पहले ये चेक करना है a1 / a2 क्या आ रहा है, a1 मतलब कि इसका कोफिशिएंट और a2 इसका कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का, उनके रेशियो चेक करनी है भी क्या आ रही है। इसी तरह से b1 / b2 भी चेक करेंगे, अगर a1 / a2 रेशियो जो है वो b1 / b2 रेशियो नॉट इक्वल टू आ रही है, अगर ये इक्वेशन नॉट इक्वल टू आ रही है तो ये किस टाइप का सोल्यूशन है, एल्जेब्रिकली हम इसको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस इसके क्या है, इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, एक सॉल्यूशन पॉसिबल जरूर होगा। ठीक है, मतलब इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। अगर ये आपके पास ऐसा है a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, तो अगर ये तीनों सेम है, मतलब इनकी रेशियो सेम है, अगर यहां पे सपोज करो a1 की जगह पे 2 है और a2 की जगह पे 4 है, ठीक है, यहां पे b1 की जगह पे 3 है, हम ऐसे वैसे लिख लेते हैं a1 की जगह पे 2 और a2 की जगह पे 4, ठीक है। सो ये क्या बन गया, इट बिकम्स 1/2, b1 की जगह पे अगर 3 है और b2 की जगह पे 6, तो ये भी क्या बन गया 1/2, c1 की जगह पे 4 है और c2 की जगह पे 8 है, तो ये भी क्या बन गया 1/2। तो तीनों चीजें 1/2 बराबर होगी ना, हमने ऐसे चेक किया पहले, सॉल्व किया, देखा ये तीनों सेम आ रहे हैं, तो अगर ये तीनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसी का मल्टीपल है, एक ही क्वेश्चन है जस्ट मल्टीपल है, डबल डबल है। ठीक है, सो क्या आएगा इसके, ये लाइन जो है हमने ग्राफ में पहले भी बनाई थी एग्जाम्पल में, लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाती है ऐसे में, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक लास्ट केस और आता है, a1 / a2 अगर इक्वल है और b1 / b2 के बराबर इक्वल है तो, बट c1 / c2 के बराबर नहीं है, मतलब कि जैसे 1/2 1/2 तो आ रहा है, तीसरी वाली में सपोज करो ये होता 6/8, अगर होता c1 6 होता c2 8 होता, तो यहां पे क्या आना था 2 3 6 2 4 8, इट बिकम्स
3 अपॉन 4 है ना। इट बिकम्स 3 अपॉन 4। सो पहली दो तो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। सो आपको ये मैं बताऊंगा भी ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये तो था एल्जेब्रिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, ठीक है। अगर ग्राफिकली देखना हो तो कैसा सॉल्यूशन आएगा इसका, अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है तो ग्राफिकल में क्या आएगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या आएगा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 का मतलब क्या है, ग्राफ पे लाइंस कहीं पे क्रॉस कर रही होंगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई आंसर होगा, एक्स और वाई का एक पर्टिकुलर आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस कहीं पे क्रॉस कर रही होंगी, कोई एक पॉइंट पे उसके कोई ना कोई कोएफिशिएंट्स होंगे, हमारे पास कोई ना कोई उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके। सो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट के कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स की वैल्यू एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है और वाई की वैल्यू वाई वाला कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक कोई एक यूनिक सॉल्यूशन है। सो इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन में इसी चीज को क्या नाम देते हैं, जस्ट हमने बताना हो भी, चेक करना हो भी ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका कैसा आएगा, ठीक है। सो इन दोनों लाइंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन, जस्ट चेक वेदर दीज लाइंस विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट और दे विल हैव, मतलब सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन, मैं आपको बताता हूं क्या होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा। तो क्या होगा, हमने क्या करना है, जस्ट यही वाला चीज चेक करनी है और आंसर इसमें लिखना है, ग्राफिकल सॉल्यूशंस में, क्योंकि उन्होंने इसमें पूछा है। सो कैसे आएगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो दूसरा आ जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वो कब आते हैं, जब लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही बनेगी, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल में करवाया भी था ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई थी इनफाइनाइटली। सो जितने भी पॉइंट्स है सभी इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। सो क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो ये दोनों कौन सी लाइन हुई, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि एक के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो थर्ड आ जाता है जिसमें सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब लाइंस क्रॉस बिल्कुल नहीं करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, जितना मर्जी आगे बढ़ा लें, तो वो किस टाइप की लाइंस होंगी। सो ये हमारा कोई भी एक्स और वाई एक्सिस वाला ग्राफ है, उस पे एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे पैरेलल जा रही होगी, तो ये लाइंस चाहे मैं इधर बढ़ा लूं चाहे मैं नीचे को जितना मर्जी बढ़ा लूं, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इसका सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन होगा ना। सो इसका मतलब क्या है, इसको कौन सी लाइंस लिखेंगे हम, पैरेलल लाइंस और पैरेलल सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसका नो सॉल्यूशन लिखा है, पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने अगर अल्जेब्रिकली लिखना है तो कैसे लिखना है, यूनिक सॉल्यूशन लिखना है, अगर उन्होंने ग्राफिकल में पूछा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखना है। अगर ये हमने सॉल्व किया, हमारा ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन लिखना है, कोइंसिडेंट लाइंस लिखना है, अल्जेब्रिकल में ये वाला और ग्राफिकल में ये वाला, और लास्ट जो होता है ये वाला कंडीशन, और इसको जैसे पूछा जाएगा उस हिसाब से हमें लिखना है। सो ये एक चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए जस्ट, तो क्या होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड तो और ज्यादा क्लियर होगा हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो अभी सर अभी के लिए ये सिर्फ हमने क्या करना है, वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और जो हमारी रह गई थी वो है, होता है एक टाइप का और सोल्यूशन होता है, तो जस्ट उसमें क्या पूछा जाता है कि कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सो उसका मतलब क्या है, जो लाइंस कहीं पे मीट कर रही होंगी, चाहे वो एक जगह पे मीट कर रही चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पे मीट कर रही है, सो दोनों में कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आएगा ही ना, ठीक है। सो इन दो टाइप्स के सॉल्यूशंस को, मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर हमारा आ जाए किसी भी दो इक्वेशंस का, तो उनको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड जो है ये तो कहीं पे मीट कर नहीं, सो ये अकेला ही ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट है।
ये जो एक्सरसाइज है 3.2, इसमें यही कुछ पूछा जाएगा बस। या तो ये पूछ लेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक, इनफाइनाइट और नो, या तो ये पूछ लेंगे इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, और या तो ये पूछ लेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमने सब सिर्फ क्या करना है, चेक करके बताना है भी जो हमारी दो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस वो किस टाइप का सॉल्यूशन देंगी हमें। ओके, सो इसमें सिर्फ यही करना है हमने। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है हम जो एग्जांपल्स हैं 3.2 की, दैट आर वेरी इजी। सो वो आप ऑनलाइन कोई भी एनसीईआरटी की बुक जो है वो डाउनलोड करके उसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, वेरी इजी है वो। ठीक है, वो तो इजीली समझ आ जाएंगी, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, जस्ट उस एग्जाम्पल्स में क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई हैं, या तो उनको चेक करके उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने को कहा गया है, या फिर जस्ट चेक करने को कहा गया, वो सिंपल है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो है 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बट हमने क्या किया था, जस्ट ग्राफ्स फॉर्म किए थे। उन्होंने क्या कहा था 3.1 में भी, जो इक्वेशंस बनानी है उनकी, उनको जस्ट रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, उसका सॉल्यूशन निकालने को नहीं कहा गया था पहले, जो हमने 3.1 में किए थे क्वेश्चंस उसमें। सो इसमें क्या है, हमने अभी इसको पहले तो इक्वेशंस बनानी भी है, उसको ग्राफ पे सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने के बाद ग्राफ से उसका आंसर भी लिखना है, क्या आंसर होगा, जो हमने एक एग्जांपल में किया भी था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके पूरे जो ये दोनों क्वेश्चंस है वो लिख लेने हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा ही है। सो इजी है वैसे फर्स्ट पार्ट भी। इसमें क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, हमें ये तो पता चल गया भी इसमें कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो एट लास्ट में हम इसमें इसी क्वेश्चन से पता चलता है हमने क्या क्या लेट करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। सो टोटल कितने थे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बच्चों ने पार्ट लिया था, दैट वॉज 10। सो जितने भी बॉयज और जितने भी गर्ल्स हैं टोटल कितने हैं, 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो इसको हम ग्राफिकली बाद में सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद आ जाती है सेकेंड इक्वेशन, आपने नीचे की नीचे ही लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं। सो सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, इसमें से देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई, आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। सो जितने भी बॉयज हैं उनमें अगर हम 4 प्लस कर देते हैं वो क्या बन जाते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर। 4 मोर देन का मतलब क्या होता है, एड। ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4, ओनली 4 नंबर, 4 टाइम्स नहीं है, मल्टीपल नहीं है, 4 क्या है, 4 ज्यादा है, जस्ट ऐड। ठीक है, सो ये आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। वाई को उधर ले जाएंगे, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, वाई इधर पॉजिटिव है ना, उधर माइनस हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी इधर ही था। सो क्या करेंगे, जस्ट वाई को इन दोनों के बीच में घुसा दिया, क्योंकि एक्स के बाद हमारी इक्वेशन जो कैसे होती है, एक्स वाई एंड आफ्टर दैट बाकी जो चीज होती है। सो क्या किया हमने, वाई इसके बीच में आ गया, एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव था, इक्वल टू से दूसरी तरफ आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी इधर ही था तो ये पॉजिटिव 4 ही रहेगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ 0 हो जाना है। सो चाहे हम इक्वल यहां पे लिख दें 0 इक्वल टू दिस, और यहां चाहे हम यहां पे लिख दें इक्वल टू 0, सो इक्वेशन तो सेम ही रहती है। सो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई है। जैसे हमने पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू ले ही जानी है और वाई की वैल्यू निकालते रहना है, इसी में भी इसमें भी ऐसे करना है, इसमें भी ऐसे करना है, कोई दो वैल्यूज यहां पे निकाल लेनी है, कोई दो वैल्यू यहां पे निकाल लेनी है, फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। ओके, ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज करो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने देखना है वाई का कौन सा पॉइंट और एक्स का कौन सा पॉइंट, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनका आंसर होगा। ठीक है, सो ये आपने खुद इसके बाद इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है, और जो मैंने बताया था, क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट जो है आपने खुद ट्राई करना है।
नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो पहले पढ़ा इंट्रो 3.2 एक्सरसाइज से पहले मैंने जो आपको समझाया कि हमने ये स्पेसिफाई करना है कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज कंपेयर करके कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल और कोइंसिडेंट है। ये क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपने किस में से क्या देखना है। अगर उन्होंने पूछना होता यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला, तो यहाँ पे यूनिक, इनफाइनाइटली मेनी और नो सॉल्यूशन वाला दिया होता। सो उन्होंने इसमें से पूछा है इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा इसका, तो हमने इन तीनों में से ही देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया 3.2 की इंट्रोडक्शन पे, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। सो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सेकंड एंड थर्ड जो आपने खुद प्रैक्टिस करके देखना है। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कैसे सॉल्व कैसे करना है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं उनकी दोनों की हमने जनरल फॉर्म लिख ली। ठीक है, कंपेयर करना है फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ। सो देखो x का कोफिशिएंट a1, यहां पे x का कोफिशिएंट 5। सो क्या हो गया, वी गेट a1 इज इक्वल टू कितना है 5 है, और y का कोफिशिएंट b1, यहां पे y का कोफिशिएंट -4। सो b1 कितना हो गया -4, c1 8 है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7। इसी तरह से b2 आ जाएगा हमारे पास 6 एंड c2 आ जाएगा -9। ठीक है, साइन साथ में उठाते हैं। सो ये हमारे पास आ गई a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। चेक कैसे करना है, हमने पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 की रेशियो कितनी आती है। देखो 5 कितना 5 अपॉन 7 कटिंग हो सकती है नहीं, सो इसकी रेशियो यही है। इसी तरह से हम b1 अपॉन b2 भी देखेंगे चेक करके, -4/6। सो ये कटिंग तो हो पा रही है, 2 2 4 2 3 6 -2/3 आ गई। सो अभी देखो कि हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर सेम नहीं आ रहे तो उसको हम कौन सा कहते हैं, इंटरसेक्टिंग वाला कहते हैं, है ना। तीसरा, चेक करने की जरूरत कब पड़ेगी, अगर ये दोनों सेम आते हैं तो, अगर पहली दो इक्वेशंस की रेशियो सेम आ रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर सेम आ रहा है, तब हमने c1 अपॉन c2 निकाल के देखना है कि वो भी इनके बराबर है कि नहीं है। अगर ये पहले ही दो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी इक्वेशन जो है इस ये वाली तो है ही है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। a1 अपॉन a2 5/7 है, ये b1 अपॉन b2 -2/3 है, ये तो इक्वल नहीं है ना। सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया था, अगर इन तीनों में से अगर कोई बताना तो कौन सी होगी, वो इंटरसेक्टिंग यूनिक वाली थी ना। यूनिक के बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा था, इंटरसेक्टिंग लिखा था, है ना। सो ये कौन सा सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें पूछा गया है किस टाइप्स, ये दोनों इक्वेशंस जो एक लाइंस की हैं, किस टाइप की लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जस्ट चेक करके बताया हमने, अगर वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर कहा होता अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो इनका सोल्यूशन निकालो, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास अलग अलग मेथड है, अभी हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड किया है, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे धीरे धीरे आपको मैं और भी मेथड करवाऊंगा। सो ये जो इक्वेशंस हैं इनके अलग अलग मेथड होंगे कैसे इनको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ओनली, थर्ड सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करना, ध्यान से देखो 9/18 9 2 18 होता है ना, सो कटिंग हो रही है पता चल रहा है, 3 2 6 होता है ये भी कटिंग होगी, 1/2 बन जाएगा ये भी, 1/2 बन जाएगा ये भी पता चल रहा है, 12 2 24 ये भी 1/2 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी आएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ये कौन सी वाली में होता है जब तीनों इक्वल हो, वो होता है सिर्फ कोइंसिडेंट वाली में, है ना। और तीसरी कौन सी होती है जिसमें c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता, तो वो तीसरी होती है। तो ये आपने चेक करके देख लेना, ये पता चल जाएगा आपको तीसरी वाली जो इक्वेशन है वो
पैरेलल वाली आएगी, अपने आप पता चल जाएगा। जब आप देखेंगे ना यहाँ पे देखो, थ्री टू थ्री जार सिक्स, थ्री बाय वन आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी थ्री बाय वन है, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, थ्री अपॉन वन रेशियो बन जाएगी, ये टेन अपॉन नाइन है, ये कटिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा। सो पहली दो इक्वेशंस की रेशियो तो सेम है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर है, बट सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है। सो ये तीसरा जो सोल्यूशन पैरेलल रह गया था वो इस वाले में आएगा, ठीक है। सॉल्व ऐसे ही करना है इसको बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, फाइंड इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा हमने क्या फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में भी हमसे ये नहीं पूछा गया यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है, तो वो क्वेश्चन में पूछा होगा भी कौन सा वाला बताना है, ठीक है। उन तीनों में से अगर वो पूछा होगा तो उन तीनों में से बताना होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने कंसिस्टेंट सॉरी पैरेलल वाला, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, तो इन दोनों तब उस क्वेश्चन में उन तीनों में से बताना है। और इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया सिर्फ दोनों में से कोई एक बताना है, तो मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी कि इनकंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, ठीक है। तो ये हमने ये हमारे जो पांच क्वेश्चन है, आपने जो वीडियो पॉज करके ये पांच के पांच क्वेश्चन पहले लिख लेने हैं। तो मैं आपके लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनमें से कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपने बाकी के क्वेश्चन जो है खुद करने हैं, ठीक है। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों को डिफिकल्टी आती है या फिर आती है फिफ्थ वाले में। आपको मैं अगर थर्ड करवा दूंगा फिफ्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। सो वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो इस इक्वेशन में 3 बाय 2, 5 बाय 3 एंड 7 है। सो पहले तो हम इस इक्वेशन को इजी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 3 बाय 2 एक्स प्लस 5 बाय 3 वाई इज इक्वल टू 7। ओके, सो देखो 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लेना, नीचे आ जाना है 6, ठीक है। सो ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 आर 9x बन जाएगा ये, और 2 इधर मल्टीप्लाई 5 2 आर 10 वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 7। जो नीचे 6 है उधर जाके डिवाइड में, जो जहां पूरी डिवाइड में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 7 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 7 6 आर 42। सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये बन गई, ठीक है। अब एक और चीज देखनी, हमारे पास जो नॉर्मल जो फॉर्म होती है वो ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो इक्वल टू के इस तरफ होती है, ठीक है। तो इस क्या करना है हमने, 42 को भी इधर लेके आना है, इट बिकम्स 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई नॉर्मल हमारी जो फॉर्म होती है उसके बराबर। सो सेकंड इक्वेशन तो पहले ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 9x माइनस 10y, 14 इधर आ जाएगा ना, माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो। सो ये देख हमारी इक्वेशंस यहां से यहां तक पहुंच गई, ठीक है। हमने पहले इनको सही करके लिखा, सभी इक्वेशन में देख सकते हैं आप इक्वल टू की दूसरी तरफ है नंबर, तो इनको आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना, राइट हैंड साइड से। ओके, सो ये दोनों इक्वेशन बन गई, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस बाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो इसमें हमने ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू सब लिख लेने हैं, आपको इजीली पता चल रहा होगा। ए वन नाइन है, बी वन ए टू भी नाइन है, बी वन टेन है, बी टू भी माइनस टेन है, सी वन माइनस 42 एंड सी टू माइनस 14 है, जो आपने खुद लिख लेना है स्पेस की जो कमी होने के कारण, तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको ऐसी रेशियो सॉल्व करके देखनी है, ए वन अपॉन ए टू कितना है हमारा, 9 ही ए वन है, 9 ही ए टू है, दोनों 9 9 है ना, तो क्या आ जाएगा कटिंग करके 1, और वी कैन से 1 रेशियो 1 इनकी बन रही है ना। सेकेंड आ जाती है बी वन अपॉन बी टू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बी वन कितना है 10, बी टू कितना है माइनस 10, 10 बाय माइनस 10 ये भी कट हो गया 1,
नीचे माइनस वन आएगा, ठीक है, वो माइनस ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता ना ये, माइनस वन बाय वन। सो पहली दो ही रेशियोज बराबर नहीं आई, तीसरी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था एज ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो ये जो इक्वेशंस है वो कौन सी है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट ही पूछा गया था, है ना। अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट केस एक ही केस में आता है, वो कब आता है, जब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो, तभी इनकंसिस्टेंट होगी। अदरवाइज अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू तीनों बराबर होती हैं तब भी कंसिस्टेंट है, पहली दो इक्वल नहीं है तब भी ये कंसिस्टेंट है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। सो ऐसे हमने सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से बाकी की इक्वेशंस जो है हमने सॉल्व करनी है, आप इसके इसको नोट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो का ये वैसे तो एक्सरसाइज आगे पड़ी है, तीन क्वेश्चन और हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ इसी क्वेश्चन तक करेंगे, तो ये आज का हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो हमने थर्ड क्वेश्चन में लिखा था ना, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस ए1 ए2 बी1 अपॉन बी2 सी1 अपॉन सी2 फाइंड आउट द सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो वहां तक तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है, बाद में उसके बाद क्या है, इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर हमारा सॉल्यूशन कुछ पॉसिबल है तो ऐसा पूछ सकते हैं भी, आप उसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ कि भी उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। सो ये वही क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, जो हमने जैसे हमने पहले क्वेश्चन में इससे पहले वाले में कंपेयर किया वैसे ही सेम सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद उसको हमने, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट आता है, ओके, जब अगर वो कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसका हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, कैसे, एक्स की वैल्यू कुछ पुट करनी, वाई की वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज यहां से निकाल लेनी है, दो वैल्यूज यहां से निकाल लेनी, ग्राफ पे बनाना है, जहां पे वो क्रॉस कर रहा होगा वो उसकी सॉल्यूशन होगा उसका, ओके। अगर वो दोनों लाइंस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, अगर हमारा ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है ना, क्योंकि कंसिस्टेंट भी, कंसिस्टेंट के केस में हमने ये भी किया हुआ है कि वो लाइंस जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर वाली भी कंसिस्टेंट होता है ना, तो क्या होगा, हमने क्या लिखना है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कोई भी तीन चार सॉल्यूशन आपने लाइन के ही लिख देने हैं। सो आपने कोई भी, अगर कोई भी लाइन आपकी कंसिस्टेंट आती है और उसके बाद उसका ग्राफ ऐसे बनता है, लाइन के ऊपर लाइन दूसरी बन रही है, तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज यहां से उठा लेनी है, एक दो तीन या चार, कोई भी, ओके, तो आपने लिख देना है एंड सो ऑन वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो इनमें से जो भी आपका अगर वो कोइंसिडेंट वाला केस आता है तो, ओके, या फिर आप कह सकते हैं अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस आता है तो, ठीक है। सॉल्व आपको पता है कैसे करना है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, सॉल्व करके चेक कैसे करना है वो आपको पता है, और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हमने 3.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी किया था, फर्स्ट वीडियो ऑफ द थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। सो ये चार जो क्वेश्चन है ऐसे ही करने हैं, इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन है, और एक मेथड न्यू इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड के अलावा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है अभी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको करवाऊं। और आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इंस्पायर अकेडमी सिमरनजोत सिंह इज माय चैनल्स नेम, और इसको आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इसमें क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सफर कर सकते होंगे, हो रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है अभी कुछ ना समझ पा रहे हों या कुछ पीछे रह रहे हों, ठीक है, या फिर कुछ का ऐसे चैनल वगैरह ना बनाओ, जस्ट नोट्स मिल रहे हो तो उससे समझ नहीं आ रहा होगा। सो क्या होगा, जो वीडियोस बना रहा हूं मैं, इसका फायदा जरूरी नहीं है कि जो एक सीबीएसई के साथ जुड़े हुए हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक सीबीएसई और बीएसई भी दोनों में सेम है एनसीईआरटी की, सो उसी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। सो पीएससीबी का कोई स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, ये सॉल्यूशंस सारे देख सकता है और सॉल्व कर सकता है अपनी नोटबुक पे और उनको समझ सकता है, ओके,
क्योंकि वैसे सारे टीचर्स जो हैं वो अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं अभी अपने बच्चों को वो कुछ पढ़ाएं और उनका कुछ ना कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो मैं भी वही एफर्ट्स कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को, मैं बात दोबारा फिर कह रहा हूँ, इंस्पायर अकेडमी सिमरनजोत सिंह, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं पता चल पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कोई टर्बन सीखना चाहता है, कोई सरदार, या फिर कोई, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को वैसे टर्बन बांधने का शौक होता है बट वो हिंदू फैमिली या किसी और फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो अंदर होता है पूरा सीखने का, अगर कोई भी टर्बन टाइम सीखना चाहता है तो मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है टर्बन द क्राउन ऑफ सिख सिमरनजोत सिंह। आई नो द नेम इज क्वाइट लॉन्ग बट टर्बन इट इज ऑलरेडी द क्राउन ऑफ सिख। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अलग तरीके से टर्बन बांधी हुई थी, इसमें थोड़ी अलग तरीके से बांधी हुई है, तो मैं अलग अलग तरीके की टर्बन भी सिखाता हूँ। आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे वो आप जरूर सीखना। मेरा ये चैनल जो दूसरा है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को तो आपने फॉलो करना ही है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे आप सभी के साथ। थैंक यू अगेन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।